हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 के या अपना 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो, मैंने ये आपके लिए एग्जांपल लिख रखा है, आपके बुक का ही एग्जांपल है स्टूडेंट। बोला का डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, A7 दे रखा है, फाइंड द। तो यहाँ पे देखो, लेट मानने वाले लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? x²-30x+k=0। इतनी बात समझ ले। अल्फा एंड बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं। तो क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना रखा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। क्लियर है? ये बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये हमारी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई। अब हमें देखो, अल्फा माइनस बीटा ये दे रखा है। अब हम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x²-13x+k=0। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर विथ ax²bx+c=0। तो स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू, a हमारे पास कितना होगा? a 1 होगा। b कितना होगा स्टूडेंट? b कितना होगा हमारे पास? -13 होगा। c कितना होगा? k होगा। क्लियर है? तो सम ऑफ जीरो क्या होता है स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है स्टूडेंट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या देगा हमें? b कितना है? माइनस रखा, -13। a कितना हमारे पास? 1 है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? ये तुम्हारा 13 मिल गया। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया? तुम्हारा 13 आ गया। क्लियर है? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। तो अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का काम कर रहा है। अल्फा क्या काम, देखो अल्फा क्या काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। एंड बीटा क्या काम कर रहा है? वाई का काम कर रहा है। तो देखो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 है एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13 है। तो ये देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? सिंपली हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन में क्या होता है हमारा पास, जो देखो बीटा माइनस है, ये भी बीटा प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या देगा? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 7+13 20 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 20/2। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? अल्फा इक्वल टू 10 आ गया। तो बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट अल्फा इक्वल टू 10 इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते, जिसमें पुट करना चाहो पुट कर सकते हो। तो किसमें पुट करें? सेकंड वाले में पुट कर लीजिए। तो सेकंड क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन था, इक्वल टू 13। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10। बीटा 13 है, 13। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 13-10। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बात समझ में आई? अल्फा निकालिए, बीटा निकाल, हमें के निकालना क्या था स्टूडेंट? के की वैल्यू निकालनी थी। तो k की वैल्यू के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? देखो, एक रिलेशन तो हमने ये लिख दिया था स्टूडेंट, सम ऑफ जीरो लिख दिया था, और एक रिलेशन में बता रखा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट? c/a, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ x²a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c कितना है स्टूडेंट? c कितना हमारे पास? k है, कि नहीं? c की वैल्यू क्या निकाला? k निकाला। a की वैल्यू क्या निकाला स्टूडेंट? 1 निकाला। और देखो, हमने अल्फा एंड बीटा भी निकाल रखा है स्टूडेंट। अल्फा कितना हमारे पास? 10 है। बीटा कितना है? 3 है। और ये k डिवाइड बाय 1 k देगा। तो फाइनली हमारे पास k कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 30 आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करना है। तो फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के विल बी 30। क्लियर है स्टूडेंट?
आई बात समझ में? तो चलो और भी ऐसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चा, ये आपके प्रैक्टिस सेट 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन है। दे रखा सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ रूट्स, मतलब ये दे रखा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, डबल द देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट, गिवेन है, क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आई बात समझ लिया स्टूडेंट। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस फोर के एक्स प्लस के प्लस थ्री। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी एंड सी। तो देखो स्टूडेंट कंपेयरिंग विथ या कंपेयर विथ ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा और ए का काम करेगा वन है, बी की जगह पर क्या होगा, मतलब एक्स के साथ जो भी रहेगा वो बी का काम करेगा, मतलब क्या है माइनस फोर के। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। सी क्या होगा, जो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसको हम सी बोलेंगे, मतलब ये पूरा सी का काम करेगा के प्लस थ्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या होता है स्टूडेंट माइनस बी बाई ए होता है, क्लियर स्टूडेंट माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, बी क्या है माइनस फोर के, तो माइनस के जगह माइनस रखो माइनस फोर के। ए की वैल्यू कितनी है वन है, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो फोर के आएगा, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया फोर के आ गया, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये। तो सी कितना है स्टूडेंट के प्लस थ्री है, के प्लस थ्री, ए कितना हमारे पास वन है, तो फाइनली वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के प्लस थ्री हो गया। कितनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन वन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहां पे यूज करना है, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड और ये थर्ड, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हमें सॉल्व करने के हिसाब से। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन टू एन थ्री, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तब यहां पर देखो हमारे पास क्या था इक्वेशन, ये था, ये गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। जरूरी नहीं कि यही मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन था, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या हमारे पास फोर के है, फोर के, ठीक है। ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा कितना है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है के प्लस थ्री, मतलब के प्लस थ्री है, ट्वाइस ऑफ के प्लस थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट फोर के, और ये क्या होगा टू के, और ये टू के प्लस सिक्स हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स हो गया, इसको उधर लेके जाओ फोर के माइनस टू के इक्वल टू सिक्स, तो ये कितना हो गया टू के इक्वल टू सिक्स, के इक्वल टू कितना हो गया सिक्स बाई टू, तो के इक्वल टू कितना आ गया थ्री आ गया। इतनी बात समझ में, तो के की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट थ्री होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के विल बी, वैल्यू ऑफ के विल बी थ्री, ठीक है। वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा स्टूडेंट थ्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो पता चल रहा है स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके 2.5 का सेवन क्वेश्चन है। द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब बोल रखा है कि मतलब जो रूट्स होंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इक्वल टू जीरो, मींस क्या होता है स्टूडेंट, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आई, इसका मतलब होता है अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये ग्राफ क्या हो टच करते हुए जा रही है, अल्फा एंड बीटा आपस में क्या हो इक्वल हो, या ऐसी सिचुएशंस बन सकती है, या
अल्फा इक्वल टू बीटा, कर्व अपवर्ड एंड कर्व डाउनवर्ड, इसका मतलब ये होता है। रूट्स इक्वल का मतलब अल्फा एंड बीटा इक्वल होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल टू जीरो, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, ए वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई के टर्म में है, ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो ए बी सी फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। तो देखो यहां पर कंपेयर विथ, कंपेयर विथ ए वाई का स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इक्वल टू कितना है थ्री है, बी कितना है स्टूडेंट, बी वाई के साथ जो होगा वो बी का काम करेगा के, एंड सी कितना है स्टूडेंट 12 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा रखा है स्टूडेंट, वहां पर मैंने बताया है इसके बारे में। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल टू जीरो होता है, तो डी क्या है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू यही है। तो अब देखो बी की वैल्यू, देखो यहां पुट कर लेंगे, बी कितना हमारे पास के का स्क्वायर, के का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना हमारे पास थ्री है, सी कितना हमारे पास ट्वेल्व है, क्लियर है स्टूडेंट, जीरो। तो क्या मिल गया हमें, के का स्क्वायर, देखो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व ऐसे लिख सकते हैं, तो के का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर होगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो जैसे आइडेंटिटी बन जाएगी, यहां पर क्या बन जाएगी आइडेंटिटी स्टूडेंट, के माइनस ट्वेल्व एंड के प्लस ट्वेल्व, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी मैंने बता रखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये देखो ये वाला टर्म बना है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखो के माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो एंड के प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया, के इक्वल टू ट्वेल्व आ गया एक, क्लियर है, और एक के इक्वल टू क्या आ गया माइनस ट्वेल्व, कितनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो देयरफॉर दो वैल्यू है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के विल बी ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व, तो दोनों में से कोई एक हो सकती है, ट्वेल्व भी हो सकता है एंड माइनस ट्वेल्व भी हो सकता है, क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे ही करना है स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर से अप्लाई कर, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दे रखा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको तो इसको रिमूव कर देते स्टूडेंट, जिसको नोट करना नोट कर सकता है, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये भी देखो पहले इसको सिंपल बनाओ, क्या हो जाएगा के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या होगा के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू के एक्स होगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, एक्स का स्क्वायर एक्स और सिक्स, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया के एक्स का स्क्वायर देगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया टू के एक्स हो गया प्लस सिक्स हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, ए कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है के है, बी कितना होगा स्टूडेंट, बी एक्स के साथ जो होता है बी होता है, क्या होगा बी माइनस टू के है, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ लें, एंड सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू सी इक्वल टू सिक्स होगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो डी कितना होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्लियर है, तो बी कितना हमारे पास, बी कितना हमारे पास माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना हमारे पास के है, ठीक है, के है स्टूडेंट, ये के होगा, और सी कितना हमारे पास सिक्स है, ठीक है, ये सिक्स इक्वल टू जीरो, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ गया माइनस टू के मतलब इसका स्क्वायर, फिर फोर के और इंटू सिक्स होगा, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस। अब इसको यहाँ पे ऐसे रहने दे 4k इंटू 6 क्यों, क्योंकि 4k बाहर निकालेंगे स्टूडेंट, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 24k इक्वल टू जीरो। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहां से हम क्या करेंगे 4k बाहर निकालेंगे, तो 4k बाहर अगर निकालेंगे, 4k बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर तो k बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा इक्वल टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो यहां से 4k बाहर निकालने पर क्या, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो वही बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4k का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 24k बन जाएगा। तब क्या काम करेंगे 4k इक्वल टू जीरो एंड k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो 4k k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4, तो k इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इतनी बात समझ में आए, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। क्लियर है, आई बार समझ लें। तो k की दो वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 आ रही है। अब यहां पर देखो तो इसमें भी अभी चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा k की वैल्यू एक्चुअली 0 होगी या नहीं होगी। देखो स्टूडेंट पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में आपको पुट करके देखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, k की वैल्यू, क्योंकि हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कंडीशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही आ रही है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या है के एक्स का स्क्वायर, के जीरो हो सकता है नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर मान लो के की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, पूरा टर्म जीरो बन गया तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं, तो देयरफॉर मतलब के इक्वल टू जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन ही आपको बन जाएगी ना के नॉट इक्वल टू जीरो। आएगा समझ में स्टूडेंट, क्लियर है के नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए हम के की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। आएगा समझ में स्टूडेंट, देयरफॉर फाइनली हमारे पास क्या है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के विल बी 6 होगा, विल बी 6। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा 6, द वैल्यू ऑफ के विल बी 6 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं नोट कर लू, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी कराए आपको, ये सब मैंने क्वेश्चंस लिख रखा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस टाइप के मैंने अभी हर टाइप के क्वेश्चंस अभी समझा दिए हैं आपको, प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है। देखो यहाँ पे रखा पहले क्वेश्चन क्या रखा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इफ अल्फा माइनस बीटा दे रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे इसको भी करना है। तो यहां से क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो क्या देगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी क्या है माइनस माइनस 5 और ए कितना है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा के बाई 1 मतलब के। तो यहां से देखो सम ऑफ जीरो कितना आ गया 5 आ गया और अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो दोनों को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा एंड बीटा निकालने के बाद अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो मैंने स्टूडेंट हिंट दे दिया, आप खुद सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जबकि मैंने आंसर भी लिख रखा है, सबके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं स्टूडेंट, कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप आंसर यहीं पर कंपेयर कर रहे। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। अब देखो दूसरा भी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है सच दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे भी क्वेश्चंस करा रखे हैं स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे हमने करा रखा है स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां से जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखे, तब उनको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखो सम ऑफ जीरो तो निकाल ही लेंगे यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स क्या होगा 4/-4k एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 4/k, पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वहां से हमारा k आ जाएगा। इतनी बात समझ में, k की वैल्यू क्या आ गई 2 आएगी इक्वेशन, या तो -1 आएगा या 2/3 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये सब मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि
लेकिन सॉल्व आपको अपने आप ही करना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या दे रखा है, जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, इक्वल टू प्रोडक्ट दे रखा है, यही कंडीशन दे रखा है, तो सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहां से सम ऑफ जीरो निकाल लोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, यहां पर इक्वेट करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। अब देखो मैंने हिंट दे दिया है, आप खुद से सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। इसका भी आंसर कितना था, -2/3 था, ठीक है। ये सब एक पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, ऐसे मैंने क्वेश्चन दो कराए हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, a की, b की वैल्यू p होगी, a की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू यहां पर होगी, तो यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर देखो p की जगह पर k भी पूछ सकता था, ये भी बोल सकता था k की वैल्यू, तो कुछ भी हो सकता है, m भी पूछ सकता है, k भी पूछ सकता है, p भी पूछ सकता है, तो यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, p पूछा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ दिस वन, रूट्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो फाइंड द वैल्यू, अब इसमें भी क्या है, सेम यही कंडीशन बोल रखा है, d इक्वल टू जीरो, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए फोर्थ का आंसर क्या है, -8 और 8 है, एंड फिफ्थ का आंसर क्या है हमारे पास, k की वैल्यू 3 और -3 है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है, इसको हटा देता हूं मैं, तो आप खुद से दिमाग यूज करिएगा स्टूडेंट, सॉल्व करिएगा, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसको सॉल्व करिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना स्टूडेंट, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए ओके, थैंक यू।